हेलो बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड। आइए बेटा, शुरू करते हैं हम अपना नया सब्जेक्ट लॉ। लॉ का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? लॉ का बेसिक मीनिंग होता है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स के सेट होते हैं विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। कोई कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ कंट्री के लोग उसे रेकॉग्नाइज करते हैं एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। उस कंट्री के मेंबर्स या उस कम्युनिटी के मेंबर्स के एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एंड विच इट मे एनफोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। भाई सिंपल सी बात है, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स जो एक कंट्री या कम्युनिटी को कही जाते हैं फॉलो करने के लिए, सो दैट वहां पे रहने वाले लोगों को या उस कम्युनिटी के मेंबर्स के एक्शंस को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और अगर वो मेंबर्स उन लॉज को, उन रूल्स को नहीं मान रहे हैं, तो उन रूल्स को मनवाने के लिए उनके ऊपर इम्पोज की जाए पेनल्टीज। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स को हम लॉ कहते हैं। अब बेसिकली इस बात को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं बात को, ज्यादा हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बेटा आप लोग जब रोड पर निकलते हो तो आपने देखा होगा अगर कहीं चौराहा आ जाए और वहां की रेड लाइट फेल हो जाए तो हर रोड से आने वाली गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, कोई दूसरे के लिए नहीं रुकता। और यहाँ पे चौराहे पे गाड़ियां आके टकराती हैं आपस में, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार जो कंट्री को या कम्युनिटी को कंट्रोल कर रही है वो सेट ऑफ रूल्स बनाती है, एक रूल की बुक तैयार करती है और रूल बुक में वो सारे कानून लिख देती है, रूल लिख देती है जिनको फॉलो करने की वजह से रोड पे एक्सीडेंट ना हो, कोई क्लैशिंग ना हो, कोई जाम ना हो। उसके लिए सरकार ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी रूल बुक के अंदर। उन्होंने कहा सर अब हर चौराहे पे रेड लाइट होगी, रेड लाइट को कोई जंप नहीं करेगा, कोई क्रॉस नहीं करेगा। सर हम यहाँ पे रेड लाइट लगाएंगे चौराहे पे और एक तरफ से ग्रीन लाइट होगी जो गाड़ियां जा सकेंगी, तो दूसरी तरफ वाली रोड पे रेड लगेगी। अगर एक साइड पे रेड लाइट है तो वहां से लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, सो दैट दूसरी सड़क से लोग पास हो पाए, एंड वाइस वर्सा आगे चल के थोड़ी देर बाद दूसरी रोड पे रेड लाइट हो जाएगी सो दैट पहली रोड के लोग पास हो सके। तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। वहां पे उन्होंने कह दिया कि सर हेलमेट पहन के आपको चढ़ना है, अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, अगर आप फोर व्हीलर में जा रहे हैं तो बेल्ट जरूर बांधिए, सो दैट अगर एकदम से रेड लाइट हो जाए या एकदम से एक्सीडेंट की संभावनाएं बने तो आप हेलमेट पहनने की वजह से या बेल्ट लगाने की वजह से उस एक्सीडेंट का शिकार ना बने, उसमें आपको नुकसान ना पहुंचे। तो भाई सिंपल सी बात है, सरकार ने देखा कम्युनिटी में जहां लोग इकट्ठे रह रहे हैं वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार रूल बुक बनाती है। और ये रूल बुक कैसे बनती है तो भाई ये डिपेंड करता है उस कंट्री पे जहां के रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, हर कम्युनिटी के अपने अपने रूल्स होते हैं। मैम कम्युनिटी के भी रूल्स होते हैं? यस बेटा, अगर हम इंडिया में ही आ जाएं तो इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के अलग कानून हैं। अगर हिंदू कोई हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में कोई शादी कर रहा है तो उनके अलग कानून हैं, और अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मैरिज कर रहे हैं तो उनके अलग कानून हैं, उसके लिए अलग अलग एक्ट, अलग अलग लॉ बने हैं। तो सर कोई भी कानून कंट्री वाइज भी बन सकता है, कम्युनिटी वाइज भी बन सकता है, लेकिन ये बनाता कौन है? तो सर ये डिपेंड करता है उस कंट्री के सेटअप पे, वो कंट्री किस तरह से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात लें तो इंडिया में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में सिविक्स के अंदर
कि सर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल कानून बनता है और ये कानून रेगुलेट करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार. तो भाई राइट टू लिव है, मौलिक अधिकार है, बेसिक अधिकार है. इस पे सर कभी कोई कानून नहीं बनेगा, इस पे कोई कानून नहीं बनेगा. यानी इस पे सरकार कभी कोई कानून नहीं बनाएगी कि सांस नाक से मत लो मुंह से लो, या हर सांस लेने छोड़ने पर आपको एक रुपए का टैक्स देना पड़ेगा. नहीं सर, इस पे कभी कोई कानून नहीं बनेगा. ये मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंसान को दिए हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आइटम्स लिख के दे दिए, अलग अलग आइटम्स लिख के दिए, जिनको आप आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे पढ़ोगे. यहां पे अलग अलग आइटम्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो जो आइटम्स में यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आइटम्स पे कानून बन सकता है, इनके अलावा आप किसी और आइटम पे कानून नहीं बनाएंगे. और इन आइटम्स पे कानून बनाएगा कौन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आया पार्लियामेंट. पार्लियामेंट आया जिसको कानून बनाने की पावर दी गई. यानी पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं. लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ और लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी. तो भाई साहब ये जो पार्लियामेंट है ये लॉ मेकिंग बॉडी है. पार्लियामेंट हर उस आइटम पे कानून बनाएगी जो आइटम यूनियन लिस्ट में मेंशन है. तो मैम जो आइटम स्टेट लिस्ट में मेंशन है उनका क्या होगा? बेटा स्टेट लिस्ट में मेंशन आइटम पे स्टेट लेवल की पार्लियामेंट कानून बनाएगी और स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसे हम विधानसभा भी कहते हैं. आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, एक तो सेंट्रल लेवल पे काम चलता है और एक स्टेट लेवल पे काम चलता है. तो भाई साहब जो सेंट्रल लेवल का काम है, जो सेंट्रल लेवल का कानून बनाने का काम है वो कौन देख रहा है? सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का काम पार्लियामेंट देख रही है और स्टेट लेवल पे कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा देखेगी. और विधानसभा कौन से आइटम्स पे कानून बनाएगी? जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है. स्टेट लिस्ट में लिखे हुए आइटम्स पे कौन कानून बनाएगा? विधानसभा. और सेंट्रल या यूनियन लिस्ट के अंदर दिए गए आइटम्स पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. ठीक है. एंड फर्दर उन्होंने एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई. उस कॉन्करेंट लिस्ट में हुए आइटम पे क्या होगा? सर वहां पे उन्होंने सिंपली कह दिया, सर कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए आइटम पे उन्होंने सिंपली कह दिया कि हम दोनों को पावर दे रहे हैं. सेंट्रल लेवल पे चाहे तो पार्लियामेंट यहाँ पे लिखे आइटम्स पे लॉ बनाए, या स्टेट लेवल पे लोकेटेड विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली इन आइटम्स पे लॉ बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे दोनों के दोनों चाहे तो लॉ बना सकते हैं. ठीक है बेटा. तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है. सर इंडिया में कानून कौन बनाएगा? सर इंडिया में सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलग अलग लिस्ट में कुछ आइटम्स देगा. जो आइटम्स अलग अलग लिस्ट में लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं पे कानून बनेगा. सर यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे हैं उस पे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे हैं उन पे स्टेट लेवल पे विधानसभा लॉ बनाएगी. और कंकरेंट लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे हुए हैं उन पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही लॉ बना सकते हैं. और जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो सर पार्लियामेंट में दो हाउसेस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा.
लोकसभा में लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर्स आएंगे, जिनको इलेक्शन में हर 5 साल में लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वो मेंबर्स यहाँ पे आएंगे। और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे, यानी राज्यसभा में अलग अलग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करते हैं वो वहां पे आएंगे। तो दोनों हाउसेज में जो भी कानून बनेगा वो वहां पे पास होना चाहिए और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनपे अप्रूवल मिलना चाहिए। देन उसके बाद जाके वो जो कानून बना है, जिसको पहले हमने रूल बुक का नाम दिया था, वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट का मतलब है लॉ कंपल्सरी अपॉन ऑल, वो कानून जो सबको मानना पड़ेगा, जो इससे कोई बच नहीं सकता। और ये कानून क्यों बनाया जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनाया जाएगा। जैसे हमने रोड की बात कही थी कि सर रोड में एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए हमने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया मोटर व्हीकल एक्ट। और उस एक्ट के तहत उन्होंने कहा रेड लाइट आप जंप नहीं कर सकते, उन्होंने कहा आपको हेलमेट पहनना जरूरी है अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो, उन्होंने कहा आपको बेल्ट लगानी, सीट बेल्ट लगानी जरूरी है अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो, एंड सो ऑन। अब ये एक्ट आने के बाद, ये कानून आने के बाद जो एक्सीडेंट की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बहुत हद तक रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो जैसे ये रोड की बात हुई, ऐसे ही अगर हम अपने बिजनेसेस की बात ले लें, सर बिजनेस कोई कर रहा है तो सर बिजनेस में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम आ जाती है सर? प्रॉब्लम ये आती है कि लोग वादा करके मुकर जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। ठीक है, अपना प्रॉमिस करते हैं और बाद में प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। इस तोड़ने को हम बोलते हैं ब्रीच, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, वादा तोड़ देते हैं। भाई सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, सेलर ने उधार पे माल बेचा बायर को, बायर ने कहा मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, 3 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, और 3 महीने बाद वो बायर वहां से भाग गया, कोई पेमेंट नहीं की। तो बेचारे सेलर का तो नुकसान हुआ ना, उसका तो माल भी गया और उसको पैसे भी नहीं मिले। तो ऐसे में ये जो बिजनेस का प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, कानून बनाया। और यहां पे कानून आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्लियामेंट ने कहा सर आप कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, जब भी आप उधार पे माल बेचे तो कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दीजिएगा जो हम बता रहे हैं इस कानून के अंदर, इस कानून में जो हम शर्तें बता रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दीजिएगा। तो कल को अगर बायर आपका पैसा ना चुका पाए और भाग जाए तो उस पे आप एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना पैसा उस इंसान से रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे रोड एक्सीडेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोल्यूशन बनाया सरकार ने बायपासिंग मोटर व्हीकल एक्ट, वैसे ही बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोल्यूशन बनाया गया बायपासिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया सो दैट बिजनेस की प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक है बेटा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक हमारा बिजनेस का लॉ है, बिजनेस का कानून है। और बिजनेस को आज से हम एक नया नाम देंगे मर्केंटाइल। हम क्या बुलाएंगे आज से बिजनेस को? मर्केंटाइल। ठीक है, मर्केंटाइल का मीनिंग होता है बिजनेस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा पहला मर्केंटाइल लॉ बनेगा, बिजनेस का पहला कानून बनेगा जिसको अब हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम यहां तक की बात को कि बेटा किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कंट्री में जो वहां पे लोग रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उनके एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करने के लिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं। और अगर वो लोग वहां के मेंबर्स इस सिस्टम को, इस सेट ऑफ रूल्स को ना फॉलो करें
तो उनको ये सिस्टम, ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो कराने के लिए उन पे पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन को हम लॉ कहते हैं। और ये लॉ बनाता कौन है भाई? ये लॉ बनाते हैं, सिंपल सी बात, उस कंट्री में रहने वाले लोग, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंट्री के संविधान के मुताबिक वो लॉ बनाया जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन लॉ पढ़ना जा रहे हैं, हम इंडियन लॉ शुरू कर रहे हैं, और इंडियन लॉ में सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है और कहता है कि इन मौलिक अधिकारों पे कोई कानून नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा सर, वहां पे एक मौलिक अधिकार है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, तो जीने के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उन पे कभी कोई कानून नहीं बनेगा। कल को पार्लियामेंट ये कानून नहीं पास करेगी कि सर हर एक सांस लेने और छोड़ने पे आपको एक रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर, सर ऐसे तो दिन में हम पता नहीं कितने हजारों सांसें लेते हैं, तो हम हजारों रुपए का टैक्स क्या सरकार के पास जमा कराएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ऐसे में हमारी सांसों पे, हमारे खाने पीने की बेसिक जरूरतों पे कभी कोई कानून नहीं बनेगा। और तो और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स बता रहे हैं, सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे आपको कानून बनाना होगा। और आप मतलब कौन है? पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट को कानून बनाना होगा उन आइटम्स पे जो सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट के अंदर है। यूनियन लिस्ट के अंदर आइटम्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट उन पे लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स है उन पे स्टेट लेवल की पार्लियामेंट यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों में से चाहे तो कोई भी लॉ बनाए, लेकिन जो भी लॉ बनेगा वो दोनों हाउसेस से होके जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा सिलेक्टेड मेंबर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं, और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं जिनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो इन सारे मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ये लॉ पास होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे सैंक्शन कर देंगे तो उसके बाद ये कानून फाइनली एक्ट का रूप ले लेगा, एक्ट बन जाएगा जो सब पे कंपलसरी होगा, हर किसी को मानना पड़ेगा। और ये जो एक्ट बन के आएगा, ये जो कानून बन के आएगा सर, ये सोल्यूशन होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। जैसे हमने देखा रोड की प्रॉब्लम्स के लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया, ऐसे ही बिजनेस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बिजनेस के लॉज आएंगे, जिसमें हम पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ योर कोर्स। आपके कोर्स में सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है। अगर स्टडी नोट के अकॉर्डिंगली आपके वेटेज देखें तो आपके CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 3 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज है 40% के। फिर बाद में हम एक दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसकी वेटेज 20% होगी। एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसकी वेटेज 10%। एंड देन लास्ट में हम एथिक्स देखेंगे बिजनेस एनवायरमेंट में, जिसकी वेटेज 30% होगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज सबसे ज्यादा है। और देखा जाए तो सर पासिंग रेशियो है 100 में से 40 आने आपके जरूरी है, यानी 40% आप पूरे के पूरे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के ही अच्छे से अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्स पास करने के लिए ये एक्ट ही अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप पास तो हो ही जाओगे। लेकिन मैम कि हम यही एक्ट करके चले जाएं तो हो जाएगा? नहीं बेटा, मैं सजेस्ट करूंगी बाकी भी पढ़ के जाना, क्योंकि हमें सिर्फ पास के लिए काम नहीं करना, हमें अच्छे नंबर्स के लिए काम करना है, सो दैट हम आगे चल के रैंक बना सके। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा शुरू करें इस एक्ट को इसकी हेडिंग के साथ। इसकी हेडिंग हमने सबसे पहले देख रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले वर्ड देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? हम पीछे देख के आए अभी, एक्ट का मतलब होता है लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी कानून पास करेगी उसे हम एक्ट बोलते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें फर्दर वो कहता है 1872, ये ईयर क्या दर्शाता है ध्यान से समझिएगा। ये जो ईयर है बेटा, ये ईयर दर्शाता है एक्ट का कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है लॉन्चिंग, शुरुआत। ये सर जो एक्ट है ये इंडिया में कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ था सर? ये लागू हुआ था 1872 में 1 सितंबर से,
विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। मैम ये साल देख के ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आपने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई साहब अब आप एक एक्ट बनाओ, वो भी उन पावर्स के तहत जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में दी है। और मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में पावर दी है कि बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी कानून बना सकते हो, तो वहां से पावर लेके पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। लेकिन मैम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया में 26 जनवरी 1950 को आया था और 1950 में पार्लियामेंट ने पावर लेके एक्ट बना दिया जो 1872 से चल रहा है। ये क्या बात हुई? नहीं बेटा समझिएगा, एक्चुअली हुआ क्या, 1872 ये बिफोर इंडिपेंडेंस का टाइम है सर। इसका मतलब ये जो लॉ था वो मेड बाय ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया था, ठीक है। तो मैम ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था तो क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड में जाके ये लॉ पास हुआ था? नहीं बेटा, ब्रिटिशर्स उस वक्त इंडिया में राज कर रहे थे लेकिन इंडिया का भी तो पार्लियामेंट था ना, पार्लियामेंट तब भी था, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस से पहले भी था जहां पे ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया इन इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया। और जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये एक्ट को एज इट इज एडॉप्ट कर लिया, एज इट इज। भाई हमारे लॉ मेकर्स ने कहा कि वो कानून जो ब्रिटिशर्स बना गए जो बिल्कुल सही है उसी लॉ को हम एज इट इज अपने इंडिया में अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। क्योंकि सर उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऑलरेडी लॉ मेकर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारे कानून बनाने थे, तो पुराने जितने कानून ब्रिटिशर्स ने पहले इंडियन पार्लियामेंट में बना दिए थे जो सही थे, जो हमारी इकोनॉमी हमारी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं थे, उन लॉज को इंडियन पार्लियामेंट ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से आज भी इंडिया में 1872 में पास हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 1872 क्या दर्शाता है, ईयर ऑफ एनैक्टमेंट, ईयर ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन से कानून लागू हुआ था। और इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था जो उन दिनों ब्रिटिशर्स ने इंडियन पार्लियामेंट में पास किया था, इंडिया की पार्लियामेंट में पास किया था। देयरफॉर भले ही 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद पार्लियामेंट को पावर मिली तो भी पार्लियामेंट ने वही एक्ट एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज इंडिया को फॉरवर्ड कर दिया, जिसके चलते आज भी यही एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है। क्लियर है? फर्दर सर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इंडियन, इंडियन ये इंडियन का मतलब क्या हुआ सर? इंडियन का मतलब हुआ कि ये कानून अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा, इंडिया में लागू होगा, इंडियन बाउंड्रीज के अंदर अप्लाई किया जाएगा। तो मैम क्या पूरी की पूरी इंडिया पे ये लगेगा लॉ? तो अब उसके बारे में सुनिएगा। उसके लिए लॉ मेकर ने कहा सर इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे ये कानून एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे ये कानून लागू नहीं होगा। मैम क्यों जम्मू एंड कश्मीर में इसको क्यों नहीं अप्लाई किया? तो इसका भी रीजन है, रीजन समझिए क्या है सर। हुआ क्या था, जिन दिनों आजादी हुई थी 1947 में, तब आप लोगों ने हिस्ट्री में ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है कि हमारा जो इंडिया था उस इंडिया का बंटवारा हो गया था, ठीक है, इंडिया का बंटवारा हो गया था। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ। और जब ये बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के बाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में जाके मर्ज हो रहा था, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाके मर्ज हो रहा था। लेकिन उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर नेहरू ने सोचा कि भाई अगर जम्मू पाकिस्तान में चला गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जम्मू में बहुत बड़ी हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है वहां पे, और ये जो हिमालयन रेंज है
ये पूरे एशियन कंट्रीज से इंडिया को प्रोटेक्ट करती है। सर यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा टच होता है, यहाँ पे चाइना आ जाता है एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर हिमालयन रेंज पाकिस्तान के पास चली गई तो इंडिया बहुत खतरे में आ जाएगा। सर यहाँ पे आप मान लीजिए अगर इंडिया यहाँ से शुरू हो रहा होता तो ऐसे केस में पाकिस्तान बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता था इंडिया को, चाइना बहुत इंटरफेरेंस कर सकता था, अफगानिस्तान इंटरफेरेंस कर सकता था एंड सो ऑन। तो मिस्टर नेहरू ने प्लानिंग की कि जम्मू को इंडिया के अंदर ही रखना है। और उसी वक्त जम्मू में कबालीज ने अटैक किया। कबालीज मतलब होते हैं ट्रैवलर्स, ये कबालीज जो होते हैं एक तरीके के बंजारे होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, लड़ने जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी पे, लोगों की जमीन पे कब्जा करते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। तो इन कबालीज ने जम्मू पे अटैक किया, जम्मू कश्मीर पे अटैक किया। जम्मू कश्मीर पे जब अटैक हुआ तो वहां के राजाओं ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और कहा सर हमें बचाइए इन कबालीज से। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान फॉर्मेशन में था तो ना उनकी कोई आर्मी अवेलेबल थी ना कुछ थी जो कि जम्मू को प्रोटेक्शन दे पाती। तो मिस्टर नेहरू ने जम्मू कश्मीर के राजाओं की रातों रात एक मीटिंग, एक बैठक बैठाई और कहा कि हम यानी इंडियन गवर्नमेंट आपको पूरी हेल्प करेगी, सारे कबाली से आपको प्रोटेक्शन देगी, बट शर्त यह है कि आप अपनी टेरिटरी को इंडिया के अंदर ही बना के रखोगे, इंडिया का ही हिस्सा बने रहने दोगे। और हम आपको वादा कर रहे हैं कि भले ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए लेकिन आपका राजपाट नहीं छीना जाएगा, यानी रिमेनिंग इंडिया में तो राजत्व जो है, जो राजा का लेबल है, जो टाइटल है, वो सब खत्म हो जाएगा, बट आपको हम आपका राजत्व रहने देंगे, आप वहां पे अपना राजपाट संभालते रहिएगा। और तो और इंडिया कभी भी कोई भी कानून बनाएगी तो वो कानून आपके यहाँ तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी, आपकी कंसर्न नहीं होगी, तब तक वो कानून हम आप पे लागू नहीं करेंगे। तो भाई जम्मू कश्मीर के राजाओं को ये बेनिफिट अच्छा लगा, उन्हें दिखा कि भैया एक तो हमारी टेरिटरी बच रही है, हमारा राजपाट भी बचा रहेगा और साथ साथ कोई भी इंडियन कानून हम पे लागू नहीं होगा जब तक हमारी रजामंदी नहीं होगी। तो ऐसे में उन्होंने हामी भर दी। हामी भरने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कबालीज से बचाया एंड जम्मू कश्मीर वापस इंडियन टेरिटरी में आ गई, जिसके चलते इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं ये डिस्प्यूट आज तक भी चला आ रहा है, इसका कोई सलूशन नहीं है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया, बट क्योंकि मिस्टर नेहरू ने प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया गया अंडर आर्टिकल 370। तो 370 के चलते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। मैम लेकिन हमने तो अभी पीछे देखा आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बेटा आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से एबॉलिश हुआ है, लेकिन उसका जो काउंटर इम्पैक्ट, उसके जो चेंजेस बाकी लॉ में आने चाहिए, वो चेंजेस अभी तक बाकी लॉ में नहीं आए हैं। तो जब तक वो चेंजेस इम्पैक्ट नहीं करेंगे रिमेनिंग एक्ट को, रिमेनिंग लॉस को, तब तक एकेडमिकली हमें यही पढ़ना होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरी इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इंडिया का मतलब क्या था। सर इंडिया का मतलब था दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो हमें इंडिया का मतलब क्लियर हो गया, सर पूरी इंडिया पे लॉ अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। हमने 1872 का रेफरेंस देख लिया, रेलेवेंस देख लिया कि क्यों डाला गया ये साल, ये साल इनएक्टमेंट का था, कमेंसमेंट का था। एक्ट का मतलब था लॉ पास बाय पार्लियामेंट एंड फाइनली अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए। तो मैम ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आइए समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अंडर सेक्शन 2H में दिया। मैम ये सेक्शन क्या होता है, तो बेटा समझिए जब भी कोई एक्ट बनता है तो एक्ट में पार्लियामेंट प्रोविजंस लिख के देती है, बताती है कि क्या क्या होना है। अब ये जो प्रोविजंस होते हैं, ये प्रोविजंस अलग अलग पॉइंट्स में होते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स कैसे लिख के दे, तो अलग अलग पॉइंट्स जो है वो सेक्शन में लिख दिए जाते हैं।
अब प्रोविजंस को जो हम बुलाते हैं वो सेक्शन बुलाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक प्रोविजन आर्टिकल्स में लिखा होता है, वहां पे एक एक प्रोविजन आर्टिकल्स में लिखा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की बिना पे उसके बिहाफ पे जो एक्ट बनाए उसका एक एक प्रोविजन सेक्शन में लिखा होता है। और याद रखिएगा, कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, बहुत ध्यान से बात रखिएगा, दिमाग में हाथ से बैठा लीजिएगा, कोई भी एक्ट हो, एक्ट के प्रोविजंस जो है वो हमेशा सेक्शंस में होंगे, और सेक्शन वन जो होगा वो हमेशा टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी बताएगा, यानी उस एक्ट का नाम क्या है। सर हमारे एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और कहां पे एप्लीकेबल है? सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो सर ये दोनों बातें कहां पे लिखी होंगी? अंडर सेक्शन वन। फर्दर सेक्शन के नंबर्स जो होंगे वो सीक्वेंस में चलेंगे, और जो सेक्शन टू है, हर एक्ट का सेक्शन टू डेफिनेशंस बताएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक्ट का सेक्शन नंबर टू जो है उस एक्ट में यूज होने वाली टर्म्स की डेफिनेशंस देगा। तो भाई अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, तो हर टर्म्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन टू के अंदर होंगी, और क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होंगी तो सेक्शन टू के पार्ट बन जाएंगे। जैसे हम सेक्शन को एसईसी करके लिख देंगे और अंडर सेक्शन की बात को हम U/SEC लिखेंगे, यानी जब भी मैं बोलूंगी अंडर सेक्शन नंबर सो एंड सो, तो अंडर सेक्शन को आप U/SEC करके लिखेंगे। फिर से टू के जो होंगे वो क्लॉजेस होंगे, सर बहुत सारी टर्म्स आएंगी तो अलग अलग टर्म्स अलग अलग क्लॉजेस के अंदर आएंगी, जैसे हम देखेंगे 2A, 2B, 2C एंड सो ऑन। तो अब अलग अलग क्लॉजेस के अंदर अलग अलग टर्म्स आएंगी जिनकी डेफिनेशन आपको दी होगी। अगर आपको ये क्लॉजेस याद है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सब क्लॉजेस ना भी याद रहे तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशंस जो है वो सारी की सारी सेक्शन टू में होंगी। तो आइए शुरू करते हैं, हम एक एक टर्म्स डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखते हैं। अंडर सेक्शन 2H, H जो है वो क्लॉज है, 2 जो है वो सेक्शन है। सेक्शन को हम SEC के नाम से एब्रीवेट करेंगे, तो सेक्शन 2 क्लॉज H हमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताएगा, और वो कहता है सर इट इज एन एग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एग्रीमेंट होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्स हो सकता है, लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, फोर्सेबल होता है। मैम कहां फोर्स किया जा सकता है? भाई साहब कोर्ट में फोर्स किया जा सकता है, यानी बेटा दो लोगों में एग्रीमेंट हुआ, दोनों ने एक दूसरे से कुछ वादा किया, और दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर उस वादे को तोड़ देती है, बाद में अपने प्रॉमिस से मुकर जाती है, तो पहली पार्टी जिसने अपना वादा पूरा किया था लेकिन दूसरे ने वादा पूरा नहीं किया, तो उसके खिलाफ पहली पार्टी कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में जाके दूसरी पार्टी के नाम पे शिकायत दर्ज कर सकती है, और वहां पे कोर्ट में जाके दूसरी पार्टी को मजबूर कर सकती है अपने प्रॉमिस को पूरा कराने के लिए। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का लिटरल मीनिंग होता है कि सर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल हो, जिनके पूरे होने पे उस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाया जा सके, अगर दोनों में से कोई भी पक्ष कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को तोड़ दे। ठीक है, इस बात को बेटा अब हम आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक करके कंसेप्चुअली सब वर्ड्स के साथ। पहली बात अब से ध्यान रखिएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हुआ इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक तो होगा एग्रीमेंट प्लस दूसरा होगा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है इसको हम आगे चल के देखेंगे, उसके लिए हमें आगे एक सेक्शन 10 बताया जाएगा, इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एग्रीमेंट का मीनिंग। एग्रीमेंट का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज ई ने बताया, सेक्शन 2 क्लॉज ई ने एग्रीमेंट का मीनिंग कहा
कि सर एवरी प्रॉमिस सेक्शन 2 क्लॉज ई बोलता है एग्रीमेंट का मीनिंग हमने फॉर्मूला बनाया इट इज इक्वल टू एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कोई भी प्रॉमिस एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस इकट्ठे एक टाइम पे दो चार प्रॉमिसेस कर दिए अगर ये प्रॉमिसेस किसी कंसिडरेशन के बदले किए जा रहे हैं. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी लेना. फॉर एग्जाम्पल हमने आपको क्लासेस दी उसके बदले में आपने फीस पे की. आप मार्केट में शोरूम में गाड़ी खरीदने गए तो आपने वहां पे पेमेंट की बदले में उन्होंने आपको गाड़ी दी. तो इस तरीके के प्रोसेस को जहां पे एक दूसरे के साथ कुछ वादे हो रहे हैं और उन वादों में बदले में कुछ कंसिडरेशन आ रही है उस प्रोसीजर को उस प्रोसेस को हम एग्रीमेंट बोलते हैं. एग्री करना किसी बात पे राजी होना ऐसे प्रोसेस को एग्रीमेंट कहा जाता है. यानी सिंपल सी बात एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी. एक तो सर हमारे पास प्रॉमिस होना चाहिए. किसके द्वारा होना चाहिए? बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन फॉर सम. तीसरा एलिमेंट क्या है? फॉर सम कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी देना. सर इसका मतलब यह है कि कोई चीज अगर फ्री में दी जा रही है तो वो एग्रीमेंट नहीं है. अब मान लीजिए कोई भी कंपनी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है. लेट्स से ट्रॉपिकाना कंपनी जो जूसेस बनाती है वो एक नए फ्रूट का जूस मार्केट में लॉन्च करती है. लेट्स से कीवी फ्रूट का जूस मार्केट में लॉन्च करती है और मार्केट में लोग इस प्रोडक्ट को नहीं जानते तो ट्रॉपिकाना कंपनी क्या करती है? ट्रेड फेयर में ये कीवी का जूस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराती है सो दैट लोग इसको टेस्ट करें, इसको पसंद करें और फिर ऑर्डर प्लेस करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रॉपिकाना इस प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बना के बेच सके. तो अगर ट्रॉपिकाना उस जूस के पैकेट को फ्री में बांट रही है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, क्योंकि वो फ्री में गया बदले में वो कुछ कंसिडरेशन में नहीं ले रहे तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा यानी इसका मतलब वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता. इसका मतलब सिंपली है कि अगर कंपनी फ्री में जूसेस बांटने के लिए कहती है और बाद में फ्री में जूसेस नहीं बांटती यानी प्रॉमिस करती है और प्रॉमिस को पूरा नहीं करती तो ऐसे में आम आदमी कस्टमर्स ट्रॉपिकाना के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उसके इस प्रॉमिस को कोर्ट में लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते. क्योंकि किसी भी प्रॉमिस को अगर कोर्ट में एनफोर्स करना है, किसी भी वादे को अगर कोर्ट तक ले जाना है क्योंकि सामने वाला पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा तो उसके लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है और एग्रीमेंट तभी होता है जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन इंक्लूडेड हो. अगर किसी भी प्रॉमिस में कंसिडरेशन इंक्लूडेड नहीं है तो सर वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट नहीं है. एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर? आगे देखिएगा. उन्होंने कहा सर कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग तो अभी हमने देख लिया, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी मिलना. यानी किसी भी प्रॉमिस के बदले में अगर हमें कुछ भी मिल रहा है तो ही वो एग्रीमेंट है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रॉमिस का मतलब क्या है? तो बेटा प्रॉमिस का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर दिया गया और वहां पे उन्होंने कहा कि सर प्रॉमिस कब बनता है जरा देखिएगा. सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है व्हेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड. जब कोई भी पर्सन जिसको हमने प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट. एसेंट का मतलब होता है अनुमति देना. अनुमति मतलब होता है कंसेंट, अपनी इच्छा जाहिर करना. अनुमति देने को हम कहते हैं एसेंट. भाई सिंपल सी बात है, जब भी एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एसेंट, अपनी अनुमति दे दे, देयर टू का मतलब है उस प्रपोजल को अनुमति दे दे जो प्रपोजल उसको किया गया है,
देन द प्रपोजल, कॉमा का लिटरल मीनिंग होता है बेटा देन, ठीक है, जब भी कॉमा आ जाए तो कॉमा का मतलब समझेगा देन, देन द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड. जब हम किसी पार्टी को एक ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं और सामने वाली पार्टी उस ऑफर को अनुमति दे देती है, राजी हो जाती है, एग्री कर जाती है, टू एग्री, एग्री कर जाती है उस प्रपोजल के लिए, तो हम मान लेते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है. और जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है. इसका मतलब प्रॉमिस का फॉर्मूला क्या निकल के आया सर? प्रॉमिस का मतलब है जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है, और जब वो प्रॉमिस किसी कंसिडरेशन के लिए हो तो एग्रीमेंट हो जाता है. और अगर उस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, यानी सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस गिवन है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इस बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं. हमने अभी खाली, आज हम सिर्फ बेटा ओवरव्यू ले रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे. ये जो भी पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम अलग अलग क्लास में जाके अलग अलग चैप्टर्स में एक एक वर्ड को डिटेल में जाके पढ़ेंगे. बट सिर्फ आज के लिए हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या टर्म्स आने वाली हैं, सो देट आगे इन टर्म्स में पहुंचते वक्त हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है. तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा कि इंडियन का मतलब था कि ये एक्ट पूरी इंडिया पे लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने देखा सर, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सके. एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि अगर एग्रीमेंट में दो पार्टीज जिन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, अगर वो अपने वादे से मुकर जाते हैं तो दूसरी पार्टी उनको कोर्ट में घसीट सकती है, उनको कोर्ट में ले जा सकती है अपने वादे को पूरा करने के लिए. अगर उन्हें कोर्ट में ले जाना है, इस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ करना है, तो उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा, जिसको हम आगे चल के सेक्शन 10 में देखेंगे. लेकिन हमें अभी एग्रीमेंट बनाना है पहले, तो एग्रीमेंट के लिए हमें फर्दर दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. पहला होगा कोई भी प्रॉमिस, अगर एक पर्सन दूसरे को कर रहा है फॉर सम कंसिडरेशन, यानी हमने आपको प्रॉमिस किया कि हम क्लासेस देंगे और उसके बदले में हम आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट तैयार हुआ और ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. लेकिन एग्रीमेंट बनाने के लिए सर हमें प्रॉमिस और कंसिडरेशन की जरूरत है, तो हमने उसमें से प्रॉमिस का मीनिंग समझने की कोशिश की. प्रॉमिस का मतलब है जब भी हम किसी को ऑफर दें और सामने वाला उस ऑफर के प्रति अपनी अनुमति दे दे, अपनी एग्रीमेंट दे दे, एग्री कर जाए, उस पर राजी हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑफर दिया है, जो अब एग्री हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, वो प्रॉमिस बन जाता है. और प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन के लिए किया गया है तो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में सेक्शन 10 के एलिमेंट्स अवेलेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. सिर्फ एक ओवरव्यू समझिए, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे. फर्दर आगे उन्होंने कहा कि सर जो भी प्रॉमिस आप कर रहे हैं वो प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. यानी अब हमारा ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हमें कोई प्रॉमिस फॉर्म करना है तो उसके लिए पहले एक प्रपोजल होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए. अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, सामने वाली पार्टी राजी हो जाएगी उस ऑफर को लेके, तो वो ऑफर प्रॉमिस बन जाएगा. अब मैम इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस के लिए हमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस चाहिए, तो पहले हम प्रपोजल का मीनिंग देख लेते हैं. प्रपोजल को बेटा हम ऑफर भी कहते हैं, और ये मीनिंग अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए दिया गया है. यू स्लैश एस का मतलब क्या है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, इसको हम लीगली यू स्लैश एस भी लिखते हैं, आप भी ऐसे ही कोट कर सकते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज ए ने क्या कहा ऑफर के बारे में, आइए देखते हैं. अगेन ध्यान रखिएगा ये पूरी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमने ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है,
सो दैट हमें इसे याद करने में दिक्कत ना रहे। ऑल दो ये टॉपिक को हम पूरा का पूरा अगले क्लास से डिटेल में एज अ चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, यानी हर वो टर्म जो यहाँ पे डेफिनेशन में दी गई है हर एक उस टर्म का सेपरेट चैप्टर है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब प्रपोजल के लिए सेक्शन 2 क्लॉज ए ने क्या कहा, अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। एक बंदा माना जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है, एक बंदा माना जाएगा कि उन्होंने प्रपोजल दिया है। व्हेन ही सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, या हम कहते संकेत देना। ठीक है, कुछ भी हिंट देना, संकेत मतलब हिंट देना, हिंट देना या एक्सप्रेस करना। टू अनदर, अनदर का मतलब है एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को। सर भाई प्रॉमिस तो तब बनेगा जब दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, अगर मैं खुद से ही वादा कर रही हूं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली अपने आप को प्रॉमिस करती हूँ कि भैया सुबह 4 बजे उठ के मैं फ्रेश होके रनिंग के लिए जाऊंगी या योगा करूंगी, और अगले दिन मैं 4 बजे उठती नहीं, मैं 7 बजे सो के उठती हूँ, तो मैंने खुद से एक वादा किया था और खुद से ही वादा तोड़ दिया, तो क्या खुद ही को कोर्ट में ले जा सकती हूँ? नहीं सर, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही एग्रीमेंट आएंगे जहाँ पे दो अलग अलग पार्टी हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ ऑफर देता है, कुछ संकेत देता है, कुछ प्रपोजल देता है, यानी दो अलग अलग लोग होने चाहिए। किस चीज का संकेत देता है फिर से पढ़िए, उन्होंने कहा अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज, जब वो सिग्निफाई करेंगे टू अनदर पर्सन, एनी अदर पर्सन को वो हिंट देंगे, संकेत देंगे, किस चीज की, हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, इच्छा बताना, वो अपनी विलिंगनेस बताएंगे सामने वाले को कि भाई मेरे लिए कुछ काम कर दीजिए या मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूं। किस चीज की विलिंगनेस बताएंगे, टू डू कुछ करना और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सर या तो कुछ काम करने की इच्छा जाहिर करेंगे या कुछ काम ना करने की इच्छा जाहिर करेंगे। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन का मतलब लिटरली होता है टू Stop someone from doing something. किसी को कुछ काम करने से रोकना भी एक ऑफर हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, दोनों की मिठाई की दुकान है, शॉप वन शॉप टू। अब दोनों की मिठाई की दुकान है और दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। अब दोनों क्या करते हैं भाई, कंपटीशन के चलते एक दूसरे के बिजनेस को हैम्पर करने के लिए दोनों प्राइस कम करते रहते हैं अपना, और दोनों अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करते हैं जिसके चलते दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं। तो फाइनली मिस्टर ए बी को प्रपोजल देते हैं कि भैया तेरी दुकान तू हमें बेच दे, हम उसके लिए तेरे को 50 लाख रुपए देंगे, प्लस तू हमसे वादा कर कि तू ऐसा ही मिठाई का बिजनेस दोबारा यहां पे 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं करेगा, तू ये मिठाई का काम हमारी दुकान के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस तक नहीं करेगा, उसके लिए हम तेरे को 20 लाख रुपए और ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने बी को दो ऑफर दिए, पहला ऑफर 50 लाख का टू डू टू सेल हिज शॉप टू मिस्टर ए, और दूसरा ऑफर 20 लाख रुपए का टू एब्सटेन मिस्टर बी फ्रॉम कंडक्टिंग सेम बिजनेस इन द नियर बाय रीजन फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। मान लीजिए ए ने बी को कहा भैया मेरे से 20 लाख पकड़ ले, लेकिन तू मुझे वादा कर कि अगले 20 सालों तक तू या तेरी फैमिली में से
कोई भी बंदा सेम मिठाई का बिजनेस मेरी दुकान के अगले 10 किलोमीटर के रेडियस तक कंडक्ट नहीं करेगा, सो दैट मैं इस दौरान अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकूं, मैं यहाँ पे गुडविल क्रिएट कर सकूं और यहाँ पे मैं अच्छा मार्केट क्रिएट करके अच्छा पैसा कमा सकूं। अब ऐसे में मान लेते हैं मिस्टर बी जिनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली कमजोर थे, इनके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे, जब उनको सामने से 70 लाख आते हुए दिखे तो उन्होंने रजामंदी दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और उन्होंने कहा ठीक है आप ये लीजिए दुकान की चाबी, दुकान के अंदर रखा सामान, ये पूरी दुकान अब आपकी हुई और मैं एक कागज पे लिख के देता हूँ, एक कागज पे, एक सरकारी कागज पे लिख के देता हूँ कि मैं अब आपकी दुकान के 10 किलोमीटर के रेडियस तक सेम मिठाई का बिजनेस अगले 20 सालों तक कभी भी नहीं करूंगा, ना मैं करूंगा, ना मेरा कोई लीगल हेयर, ना कोई मेरा बाल बच्चे, कोई फैमिली के लोग ये कंडक्ट करेंगे। और जब मिस्टर बी ने ये रजामंदी दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ए के ऑफर के प्रति, तो इन दोनों के बीच में प्रॉमिस फॉर्म हो गया। तो सर ए ने बी के साथ, ए ने बी को ऑफर दिया था 50 लाख 20 लाख का के बदले में मैं आपसे आपकी दुकान ले लूंगा और आपसे एक वादा ले लूंगा कि अगले 20 सालों तक मेरे एरिया में और मेरे 10 किलोमीटर के रेडियस में सेम बिजनेस आप नहीं करोगे, सो दैट मैं आपसे कंपटीशन खत्म करना चाहता हूं, इसके बदले आप मुझसे 50 प्लस 20 लाख यानी टोटल 70 लाख ले लेना। तो बी ने इस बात पर अपनी रजामंदी दे दी, यानी सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, ए ने ऑफर दिया, ऑफर हो गया, प्रपोजल हो गया, फिर बी ने रजामंदी दे दी यानी एक्सेप्टेंस हो गया, अब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया और प्रॉमिस में क्या कंसिडरेशन थी, यस सर दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे थे, ए बी को 70 लाख रुपए दे रहा था और बी दुकान की चाबी के साथ साथ एक वादा दे रहा था कि ऐसा कोई कंपटीशन वो अगले 20 साल तक उनके एरिया में नहीं करेंगे। तो सर इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी हो गई, तो कंसिडरेशन हो गई तो ऑटोमेटिकली अब ये क्या बन गया, सिंपल सी बात, कंसिडरेशन हो गई प्रॉमिस के अंदर तो सर ये एग्रीमेंट बन गया और इस एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनको हम आगे देखेंगे, तो सर ये सेक्शन 10 के एलिमेंट्स आते ही ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ये एनफोर्सेबल इन कोर्ट हो जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, यानी कल को अगर मिस्टर बी 70 लाख रुपए लेने के बाद, 50 लाख तो उन्होंने दुकान के लिए और 20 लाख उन्होंने वादे के लिए कि वो 20 साल तक आसपास ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे, और पैसा लेने के बाद अगले 3 साल बाद 4 साल बाद खुद एक ही दुकान के बाहर जाके सामने दूसरी दुकान लेके वहां पे सेम बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो ए उनको कोर्ट में घसीट सकता है। यानी बी ने वादा किया था ए को कि मैं अगले 20 सालों तक सेम काम आपकी दुकान के आसपास नहीं करूंगा और अपने वादे को तोड़ते हुए 3 साल बाद ही बी ए की दुकान के आसपास ही सेम मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, तो वो अपनी वादा खिलाफी करते हैं। लेकिन ए ने बी से ये वादा कागजों पे लिखवाया था, सरकारी कागजों पे लिखवाया था, अब सरकारी कागजों पे लिखवाने का मतलब है सेक्शन 10 की कंडीशंस को पूरा किया था, अभी के लिए मान लीजिए, बहुत डिटेल में हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, एक रफ आइडिया ले लीजिए, तो मान लीजिए ए ने ये वादा सरकारी कागजों में बी से ले लिया था और बी ने इस वादे की वादा खिलाफी की, वादा तोड़ा, वादा ब्रीच किया, तो ऐसे में ए बी के खिलाफ इस कागज को लेके कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में केस फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट कि देखिए बी मुझसे 20 लाख रुपए भी ले गया, बी ने मुझसे वादा किया था कि वो ये काम नहीं करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो ये काम नहीं करेंगे, सेम कॉम्पिटिटिव दुकान मेरे आसपास नहीं खोलेंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की और दुकान खोल दी सेम बिजनेस की, तो अब आप इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। तो भाई अगर उसमें सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हो गए इस एग्रीमेंट के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी उन्होंने यहाँ पे कागजी कार्रवाई की प्रॉपर, और भी बहुत सारी सेक्शन 10 की कंडीशंस थी उन्होंने सारी पूरी की, तो ऐसे में ब्रीच होने पे, वादा तोड़ने पे ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर का मतलब फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से ड्राफ्टिंग कीजिएगा, अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, ए जो है बी को प्रपोजल देते हुए माने जाएंगे, व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो किसी दूसरे बंदे को अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, संकेत देंगे, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ काम करने की इच्छा या कुछ काम ना करने की इच्छा, एब्सटेन का मतलब समझ में आ रहा है, एब्सटेन का लिटरल मीनिंग होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ काम करने से रोकने की इच्छा जाहिर करना भी ऑफर का हिस्सा
बन जाएगा। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, ये इच्छा क्यों जाहिर की जा रही है, क्यों संकेत दिया जा रहा है, क्यों हिंट दी जा रही है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट। एसेंट मतलब अनुमति देना। सर अनुमति हम लेना चाहते हैं, हम सामने वाले से अनुमति लेना चाहते हैं, उनसे कंसेंट लेना चाहते हैं, उनकी इच्छा जानना चाहते हैं, इसके चलते हम उनको संकेत दे रहे हैं। ए प्रपोजल दे रहा है, ए बी को बता रहा है कि भैया मैं आपकी दुकान खरीदने का इच्छुक हूँ, मैं आपका आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सेम बिजनेस मेरे आसपास ना करें। तो ये अपनी इच्छा ए बी को जाहिर कर रहा है सो देट आगे चल के वो बी से अनुमति ले सके, और अगर बी ने अनुमति दे दी, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो सर फिर हम दोनों के बीच में जो ऑफर एक्सेप्ट हुआ है वो प्रॉमिस के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट पर्सन, सामने वाले पर्सन की इच्छा जानने के लिए, उनकी अनुमति लेने के लिए, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, उस काम करने के या काम ना करने के रिगार्डिंग सामने वाले इंसान की अनुमति लेने के लिए, जब एक इंसान अपना प्रपोजल अपनी इच्छा जाहिर करता है या उसके संकेत देता है सामने वाले को कुछ काम करने या कुछ काम करने से रोकने के लिए, तो उसको हम ऑफर मानते हैं। ये क्या बन जाता है हमारा, ऑफर। और ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है, ये ऑफर आगे चल के दो तरह से कंक्लूड हो सकता है। सच ऑफर कैन आइदर बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। या तो सामने वाली पार्टी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देगी, भाई ए ने ऑफर दिया बी को कि भाई मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूँ, बी के पास बहुत पैसा है, बी कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरता, बी कहता है नहीं नहीं मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगा, तो बी ने ए के ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर बी ने ए के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो सर कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो कहानी खत्म, फिर तो हमें यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने पहले वाली पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस। फिर वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा, और उस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है, उस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है, तो वो प्रॉमिस क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए एग्रीमेंट बन जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है बेटा, एकदम पक्का से? ठीक है, तो यहां तक की बात को एक बार फटाफट से कंक्लूड करते हैं। हमने कहा सर प्रॉमिस का मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर दिया। सेक्शन 2 क्लॉज ए ने कहा जब भी कोई एक बंदा अपनी इच्छा जाहिर करेगा या अपनी इच्छा का संकेत देगा किसी दूसरे पर्सन को रिगार्डिंग कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए, और वो जो इच्छा जाहिर करेगा वो सामने वाले की अनुमति लेने के लिए इच्छा जाहिर करेगा या संकेत देगा, तो ऐसे में इस पूरे प्रोसेस को जहां पे एक बंदा अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है सामने वाले को, सो दैट वो इस प्रोसेस के रिगार्डिंग सामने वाले से अनुमति ले सके, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑफर या प्रपोजल का नाम देंगे। और ये जो भी ऑफर या प्रपोजल निकल के आएगा, इस ऑफर का कंक्लूजन दो ही तरह से होगा, या तो सामने वाली पार्टी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगी। अगर सामने वाली पार्टी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी अनुमति दे दी, तो सर फिर ये प्रॉमिस का रूप ले लेगा। और अगर इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होगी, एक दूसरे के बीच में लेन देन होगा, समथिंग इन रिटर्न सामने वाला जरूर लेगा, तो ऐसे में ये एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर एग्रीमेंट में सेक्शन 10 की कंडीशंस सारी की सारी अवेलेबल होंगी, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है उसको हम कोर्ट में एनफोर्स कर सकेंगे, हम कोर्ट में जा सकेंगे अगर सामने वाली पार्टी वादा खिलाफी करती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक की बात को आइए इकट्ठा एक बार करते हैं और सारी बात को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहला एलिमेंट एग्रीमेंट है, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यानी किसी भी एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 की कुछ कंडीशंस मीट होंगी तो
उस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। एनफोर्स कराने का मतलब है कि अगर वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी ने पूरा कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर दोनों में से किसी भी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आ गया, दोनों में से कोई भी पार्टी अपने वादे को तोड़ती है, वादा खिलाफी करती है, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकती है, कोर्ट में जाके सामने वाली पार्टी को मजबूर कर सकती है अपने वादे को पूरा करने के लिए। तो सर, किसी भी एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स कराने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको पूरा करना होगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस 10 कंडीशंस होंगी जिनको हम आगे चल के सेक्शन 10 के अंदर देखेंगे। सेक्शन 10 की जब ये सारी कंडीशंस आप मीट करोगे तो आप इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकते हो। हाउएवर, एग्रीमेंट कब बनेगा? सर, एग्रीमेंट तब बनेगा जब कोई भी प्रॉमिस कंसिडरेशन के लिए होगा, यानी किसी भी प्रॉमिस में अगर लेन देन होगा दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी में गिव एंड टेक होना जरूरी है। अगर प्रॉमिस हो रहा है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में फॉर सम कंसिडरेशन, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट कब बनेगा? सर, जब कोई प्रपोजल देगा और सामने वाली पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी तो वो हमारे लिए एग्रीमेंट बन जाएगा। अब हमने देखा सर ऑफर या प्रपोजल कब बनेगा, तो हमने देखा था ऑफर या प्रपोजल बनेगा सेक्शन 2A के अंदर, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी इच्छा जाहिर करेगी सो दैट सामने वाले की वो अनुमति ले सके रिगार्डिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम करने को लेके या कुछ काम ना करने को लेके। तो माना जाएगा कि पहली पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को या तो रिजेक्ट कर देगी, अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी खत्म, लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो सर फिर वो प्रॉमिस बन जाएगा, और अगर वो प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन है, लेन देन है, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और उस एग्रीमेंट में सेक्शन 10 की अगर सारी कंडीशंस अवेलेबल है तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपने वादे को तोड़ दे। यानी मैम, अगर किसी एग्रीमेंट में सेक्शन 10 के एलिमेंट्स नहीं होंगे तो फिर वो एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जा सकता। यस बेटा, वो एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि भाई मैं तुझे गिफ्ट लाके दूंगा या लाके दूंगी ऑन वैलेंटाइन डे और बर्थडे, और उस पर्टिकुलर डे पे आप वो गिफ्ट लेके नहीं आते, तो क्या आपका फ्रेंड आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी किसी भी एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना होगा जिसको हम अगली क्लास में जाके देखेंगे। बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि सर एक ऑफर होना चाहिए, ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस के साथ साथ कंसिडरेशन होगा, और कंसिडरेशन के साथ साथ सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विच इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसमें कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा एक बार उसको भी देखेंगे। सर, कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर दिया गया। सेक्शन 2 क्लॉज डी ने कहा, सेक्शन 2 क्लॉज डी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज डी ने कहा कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर सर जो प्रोमिस करता है, हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था ए ने, मिस्टर ए ने बी की दुकान खरीदने का वादा किया, तो जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस एक एक्शन है, जो इस प्रॉमिस को कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उसके नाम के आगे ओ आर लगा दीजिए, उसको अब से हम प्रॉमिसर बुलाएंगे, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उसके नाम के आगे डबल ई लगा दीजिएगा, यानी हम उसे प्रॉमिसी बुलाएंगे। यानी अब दो पार्टी बन जाएंगी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होगा? जो वादा करेगा। प्रॉमिसी कौन होगा? जिसको वादा किया गया। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की इच्छा पे, प्रॉमिसर की इच्छा क्या थी कि भाई 50 लाख में दुकान बिक जाए और 20 लाख में हम उनका काम खरीद ले, यानी वो हमारे को कंपटीशन ना दे, अगले 20 सालों तक हमारी टेरिटरी के आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में सेम काम ना करें। तो जब एक ही इच्छा ये थी 50 लाख और 20 लाख में दुकान
और बिजनेस को खरीदने की, सो दैट ये बिजनेस सामने वाली पार्टी अगले 20 साल तक सेम रेडियस 10 किलोमीटर के रेडियस में ना करे। तो इस इच्छा पे, जब प्रोमिसर की इच्छा पे, पहला पॉइंट द प्रोमिसी, दूसरा पॉइंट द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सामने वाला भी या उनके बिहाफ पे और कोई भी बंदा है, हैज डन, वो काम कर दे, दुकान बेच दी, दुकान की चाबी एक को पकड़ा दी, और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, सर कागज में लिख के दे दिया कि अब हम सेम मिठाई का काम, मिठाई की दुकान आपकी दुकान के 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं चलाएंगे, हम अपना बोरिया बिस्तरा बेच के जा रहे हैं, हम किसी और स्टेट में जाके ये काम करेंगे जहां से आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ध्यान से सुनिए, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, भाई ये तीनों वर्ड एक ही बात कर रहे हैं, बस फर्क हो रहा है टेंस का। भाई व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या उनके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा वो काम कर दे जो प्रोमिसर की इच्छा थी, या वो काम नहीं करे जो प्रोमिसर ने करने से रोका था, यानी इन पास्ट टेंस कर दे, या और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, सर प्रेजेंट की बात कर रहा है, या प्रेजेंट में वो काम कर दे या वो काम नहीं करे, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फ्यूचर में वादा कर दे कि वो काम नहीं करेगा या वो काम करेगा। यानी सर हमने प्रेजेंट में क्या काम कर दिया, दुकान की चाबी पकड़ा दी, बी ने ए की इच्छा पे दुकान की चाबी ए को पकड़ा दी, दुकान बेच दी, ये तो प्रेजेंट में कर दिया, और कागज में लिख के दे दिया कि सर अगले 20 सालों तक सेम बिजनेस आपकी दुकान के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं करूंगा। तो सर ये फ्यूचर का टेंस हो गया, यानी 50 लाख का काम जो था वो आज ही कर दिया, और 20 लाख के लिए जो कंसिडरेशन थी उसका फ्यूचर में वादा कर दिया कि अगले 20 सालों तक सेम बिजनेस नहीं करूंगा, तो ये उनके लिए कंसिडरेशन बन गई। मैम किसके लिए कंसिडरेशन बन गई, फॉर सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। भाई सिंपल सी बात, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दिमाग में बैठाइए, ऑल दो इसको डिटेल में कंसिडरेशन के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ ये बेटा सिर्फ ओवरव्यू है, बट ओवरव्यू को बहुत अच्छे से ग्रास्प कीजिएगा। उन्होंने कहा व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ काम कर दे या ना करे पास्ट में, या कुछ काम कर रहा है या ना नहीं कर रहा है प्रेजेंट में, या कुछ काम करने का वादा कर दे या कुछ काम नहीं करने का वादा कर दे फ्यूचर में, तो ये जो एक्ट या एब्सटिनेंस, ये जो काम कर रहा है कर दिया या करने का वादा कर रहा है, या एब्सटिनेंस जो काम नहीं कर दिया या नहीं कर रहा है या नहीं करने का फ्यूचर में वादा दिया है, ये सारे के सारे एक्ट और एब्सटिनेंस कंसिडरेशन बन जाएंगे। यानी सिंपल सी बात सर, कंसिडरेशन जो होगी उसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं गिव एंड टेक, सर लेना और देना। एक बंदा एक हाथ से देगा, यानी एक बंदा एक हाथ से देगा और वहीं पे दूसरा बंदा दूसरे हाथ से उससे ले लेगा, यानी सिंपल भाषा में कहें तो गिव एंड टेक, लेना और देना, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। यानी इसी बात को हम ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे जो मिस्टर ए थे जिन्होंने दुकान खरीदने का ऑफर दिया प्रोमिसर, उनका काम क्या था, उनका काम था, उनका एक्ट था टू पे ₹50 लाख प्लस ₹20 लाख, और बदले में उन्हें कंसिडरेशन क्या मिल रही थी, सर बदले में उन्हें दो कंसिडरेशन मिल रही थी, एक तो सेल हो रही थी दुकान, 20 शॉप परचेज कर ली उन्होंने, दूसरी सर दूसरा उनको काम हो रहा था कि बी विल नॉट कंडक्ट सेम बिजनेस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इन 10 किलोमीटर रेडियस। सर जो दुकान है, एक ही दुकान यहां पे है, तो एक ही दुकान के आसपास के चारों तरफ के 10 किलोमीटर के रेडियस में बी सेम काम नहीं शुरू करेगा, विल नॉट कंडक्ट सेम बिजनेस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ मिस्टर ए।
और बी के लिए जो प्रॉमिस ही था उन बी के लिए एक्ट क्या था सर, उन बी के लिए एक्ट क्या था भाई, वो ये दुकान बेच देंगे और सेम बिजनेस कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी जो कंसिडरेशन ए को मिल रही थी वो बी का काम था। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या बन गई थी सर, बी को कंसिडरेशन बदले में क्या मिल रहा था, टू रिसीव 50 लाख प्लस 20 लाख, यानी जो ए का एक्ट था वो बी के लिए क्या बन गया, कंसिडरेशन। भाई एक का काम दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का काम पहले के लिए कंसिडरेशन, सिंपल सी बात। मेरा काम है आपको क्लासेस देना, बदले में मुझे आपसे क्या मिल रहा है, फीस, और आपका काम क्या है, फीस को देना, बदले में आपको हमसे क्या मिल रहा है, क्लासेस। तो हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है, और आप जो काम कर रहे हो वो हमारे लिए कंसिडरेशन हो गई, यानी समथिंग इन रिटर्न। वो रिटर्न में मॉनेटरी टर्म्स में कैश भी आ सकता है, और वो रिटर्न में कुछ गुड्स या सर्विसेज भी दिए जा सकते हैं। समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, वो समथिंग इन रिटर्न मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी में हम इवेल्युएट नहीं करेंगे। दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न कैन बी एनीथिंग, वो समथिंग इन रिटर्न कुछ भी हो सकता है, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी कैलकुलेट हो सकता है, लाइक हमारे लिए हमारी कंसिडरेशन आपकी फीस है जो मॉनेटरी टर्म्स में है, या वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, जैसे आपके लिए आपकी कंसिडरेशन क्लासेस हैं तो वो सर्विसेज के रूप में आपको मिल रही हैं, वो कोई भी कैश फॉर्म में आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी कंसिडरेशन को अब से हम क्विड प्रो क्यू का नाम भी देंगे। ये क्विड प्रो क्यू लैटिन वर्ड है। मैम लैटिन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अंग्रेजी कम पढ़ रही है क्या? यस बेटा, हमें लैटिन वर्ड्स भी लॉ के अंदर बहुत जगह पढ़ने होंगे, बिकॉज लैटिन इज द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच लॉ वॉज इन्वेंटेड। लैटिन एक ऐसी पहली लैंग्वेज है जिसमें लॉ पहली बार बने थे, देयरफोर पूरी दुनिया ने, पूरे ग्लोबली हर कंट्री ने, जिस जिसने लॉ बनाए उसने लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स को एज इट इज अडॉप्ट किया। हमें भी अपने लॉ सब्जेक्ट में इसको कहीं कहीं कंसिडर करना होगा, तो ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये हमसे किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो क्विड का मतलब होता है गिव, एंड क्यू का मतलब होता है टेक, तो लिटरली यहां से सिंपल मीनिंग निकल के आया, गिव एंड टेक, यानी गिव एंड टेक, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? तो एक बार यहां तक की बात को फटाफट से समझिएगा। हमने क्या देखा, हमने कहा बेटा कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। इसी बात को हम सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, हम कह देंगे बेटा सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज ए ने ऑफर की बात की, कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करेगा कुछ काम करने या ना करने के लिए, सो दैट वो सामने वाले की अनुमति ले सके, तो उसको हम कहेंगे ऑफर। वो ऑफर या तो सामने वाला बंदा रिजेक्ट कर देगा, अगर सामने वाले बंदे ने रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म, उसके आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो सर वो ऑफर अब हमारे लिए प्रॉमिस बन जाएगा। ये बात सेक्शन 2 के क्लॉज बी ने कही कि प्रॉमिस हमारा हो जाता है अगर कोई भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, अब इस प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन मिल गई, गिव एंड टेक आ गया, क्विड प्रो क्यू आ गया, यानी किसी भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ भी देने का वादा कर दिया और बदले में कुछ भी ले रहे हैं, यानी दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी आपस में कुछ लेन देन का वादा कर ले, वो लेना देना चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, अगर उस प्रॉमिस के अंदर दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन आ गई, समथिंग इन रिटर्न आ गई अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर, तो सर ये प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन जुड़ी हुई है ये एग्रीमेंट बन जाएगा। ये बात सेक्शन 2 ई ने कही। ठीक है, यानी फिर से समझिए क्या हो रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज ए ने ऑफर की बात कही, क्लॉज बी ने प्रॉमिस बना दिया अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया,
और फिर उस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन मिल गई अंडर क्लॉज डी सेक्शन 2 क्लॉज डी, तो फिर वो प्रॉमिस कम कंसिडरेशन जो है आपके लिए एग्रीमेंट बन गया अंडर क्लॉज ई। एंड देन फाइनली उस एग्रीमेंट में अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ गई, यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई जिनको हम आगे चल के सेक्शन 10 में पढ़ेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई जो सेक्शन 10 कहेगा, अगर सेक्शन 10 की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस एग्रीमेंट में फुलफिल हो गई, तो फाइनली ये एग्रीमेंट आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो। यानी सामने वाली पार्टी अगर आपको धोखा दे, अपना प्रॉमिस पूरा ना करे, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। ये बात सेक्शन 2H कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज H कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी हमने कितने सब क्लॉजेस देख लिए अभी थोड़ी देर में, मैं बार बार कह रही हूँ ये सिर्फ ओवरव्यू है, ये सारे सेक्शंस हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस रफ आइडिया ले लीजिए कि भाई हमारे लिए यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर, उसके लिए एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी होनी जरूरी है अंडर सेक्शन 10। अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, सिंपल सी बात, अगर एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, यानी हम जो आगे सेक्शन 10 के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे वो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर किसी प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, तो सर वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सर अगर कोई ऑफर रिजेक्ट हो गया है, तो सर अगेन वो ऑफर कभी प्रॉमिस नहीं बन सकता, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया है, वो प्रॉमिस ही नहीं है, उस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर रखिएगा, और यहां तक की हम एक कोडिंग बना लेते हैं। अब दे कॉन्ट्रैक्ट अगर कोर्ट में एनफोर्सेबल हो गया, हमने सामने वाली पार्टी को माल बेच दिया और सामने वाली पार्टी ने हमारी कंसिडरेशन हमें नहीं दी, तो हम कहेंगे अब दे अब तो तुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कोर्ट में जा रहे हैं तेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए। अगर तूने अब नहीं दिया तो हम कोर्ट में तेरे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, फिर कोर्ट में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकीलों को फीस देनी पड़ेगी, बाद में केस हारेगा तो भी मुझे पैसे तुझे चुकाने ही पड़ेंगे। तो हम ये सिर्फ और सिर्फ कोड बनाएंगे याद करने के लिए, सिर्फ एग्जाम्स के पर्पस के लिए हमें सेक्शंस टिप्स पे याद होने चाहिए। तो सेक्शंस याद कराने के लिए हम ये निमोनिक बनाएंगे, हम ये कोडिंग करेंगे। एग्जाम में हमें ये वर्ड नहीं लिख के आना, ये वर्ड हमें सिर्फ दिमाग में याद रखने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटेंशन, क्योंकि हम जो भी क्लास में पढ़ेंगे उसको जब तक हम रिटेन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, और याद करके एग्जाम के 3 घंटों में लिख के नहीं आएंगे, तब तक हमारी सारी मेहनत बेकार है। तो हमें इन तीनों सेगमेंट पे काम करना है, हमें कंसेप्ट को समझना भी है, याद भी करना है, और उन 3 घंटों में प्रेजेंट कैसे करना है इस पे भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो फटाफट से हम अब दे को डीकोड कर देते हैं। ए से हमारा क्या हो गया, ऑफर, सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा, फिर वो ऑफर बी से क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, 2B के अंदर प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस के अंदर डी से कंसिडरेशन होगी, 2D की कंसिडरेशन होगी, तो वो प्रॉमिस हमारे लिए बन जाएगा एग्रीमेंट 2E के अंदर, और उस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगी तो वो 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी इसी बात को बिना देखे फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, अब दे, ए से सबसे पहले, 2 clause A से सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा, अगर ऑफर रिजेक्ट तो सर कहानी खत्म, कोई प्रॉमिस कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो सर अब वो 2B के अंदर प्रॉमिस बन जाएगा, और उस प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है, तो सर फिर वो कभी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर उस प्रॉमिस में 2D के अंदर बताई हुई
कंसिडरेशन आ गई, समथिंग इन रिटर्न आ गई, तो सर फिर वो हमारे लिए एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट क्लॉज टू ई के अंदर था, क्लॉज ई के अंदर था, सेक्शन टू के क्लॉज ई के अंदर था। उस एग्रीमेंट में सेक्शन 10 की कंडीशंस नहीं फुलफिल होंगी तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर सेक्शन 10 की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई तो वो सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी को पूरा करना कंपलसरी होगा। अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बताई टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो पहली पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेगी। फिर कोर्ट में जज उस बंदे को देखेगा और उसके ऊपर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन चलाएगा, पेनल्टीज लगाएगा, उसकी पेमेंट दिलवाएगा, और अगर गलती ज्यादा बड़ी होगी तो उसके हिसाब से सजा भी ज्यादा बड़ी कर देंगे, यानी पेनल्टी के साथ साथ उस इंसान को जेल भी भेज दिया जाएगा, जिसको हम आगे चल के प्रोसिक्यूशन का नाम देंगे। यानी अगर इसको कोई भी नहीं मानेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ के अंदर हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो जज करेगा। अगर आप सामने वाले की बात नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, वादा खिलाफी करेंगे, तो कोर्ट आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकता है और आपको जेल भी भेज सकता है, जिसको हम आगे प्रोसिक्यूशन का नाम देंगे, यानी उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकेगा, जेल भी भेजा जा सकेगा। तो ये सारे प्रोसेस कैसे स्टेप लेंगे हम आगे चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के लिए इतना ओवरव्यू काफी है, इतनी बात को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, सो दैट आगे चल के जब हम क्लासेस में एक एक टॉपिक को उठाएं तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। एक बार फिर से इस पूरे पिक्चर का ओवरव्यू ले लीजिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंडिया का मतलब है, ये एक्ट पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्ट का मतलब है इट इज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट ने बनाया? इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया, भले ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बना। कौन से ईयर में पास हुआ? 1872 में पास हुआ, 1 सितंबर से लागू किया गया था। 1 सितंबर से ये जो लागू हुआ तो आज तक इंडिया में चला आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को एज इट इज एडॉप्ट किया और कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने देखा, फटाफट से याद कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी थी, एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन था, प्रॉमिस के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस थी। तो हमने नीचे ऑफर से शुरू किया, ऑफर का सेक्शन 2, सर सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में थी। सेक्शन 2 का क्लॉज ए ऑफर की बात कर रहा था, ऑफर अगर रिजेक्ट हो गया था तो कहानी खत्म, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया था तो वो प्रॉमिस बन गया था। प्रॉमिस के लिए सेक्शन 2 बी था, उस सेक्शन 2 बी के अंदर अगर कंसिडरेशन जुड़ गई थी सेक्शन 2 डी की तो वो कंसिडरेशन प्रॉमिस को मिला के एग्रीमेंट बन गई थी अंडर सेक्शन 2 ई, और उस एग्रीमेंट के अंदर अगर सेक्शन 10 की एनफोर्सेबिलिटी की सारी कंडीशन आ गई तो वो सेक्शन 2 एच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हमने एक एक वर्ड देखे, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, प्रपोजल, कंसिडरेशन, ये सारे वर्ड्स हम आगे चल के डिटेल में एक एक चैप्टर में अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो इस ओवरव्यू को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस बात को यहां तक के जरूर आप रिवाइज कीजिएगा अगली क्लास में बैठने से पहले। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।